मुझे बताया गया है कि ये पुरस्कार परफॉर्मिंग आर्ट के क्षेत्र में सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। अतः इस उपलब्धि के लिए मैं सभी पुरस्कार विजेताओं को विशेष विशेष बधाई देती हूँ। मुझे ज्ञात हुआ है कि इन पुरस्कारों द्वारा पूरे देश की विभिन्न कलाविधाओं को मान्यता दी जाती है। कलाकारों के साथ साथ कला मर्मज्ञों विद्वानों को भी पुरस्कृत किया जाता है। इससे भारतीय कलाओं से जुड़े ज्ञान परंपरा एवं बुद्धि भी वृद्धि होती है। संगीत नाटक एकेडमी पिछले 7 दशकों से विभिन्न भारतीय कलाविधाओं संगीत नृत्य लोकनाट्य तथा रंगमंच को प्रोत्साहित कर रही है। इन विधाओं के व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हेतु भी एकेडमी द्वारा प्रयास किया जा रहा है। एकेडमी ने युवा पीढ़ी को कलाओं से जोड़ने के प्रयास भी शुरू किए हैं। एकेडमी द्वारा अमृत युवा कलश के आयोजन की मैं सराहना करती हूँ। देवियों और स्वजन सभ्यता द्वारा हमारे भौतिक उपलब्धियाँ सामने आती है, लेकिन संस्कृति द्वारा हमारी अमूर्त विरासत की धाराएं प्रवाहित होती है। संस्कृति द्वारा ही किसी देश की वास्तविक पहचान होती है। भारत के अद्वितीय परफॉर्मिंग आर्ट्स ने हमारी अतुल्य संस्कृति को सदियों से जीवंत बनाए रखा है। हमारी कलाएं और कलाकार हमारी समृद्ध संस्कृति के संवाहक है। विविधता में एकता भारत की संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषताएं हैं। असम के बिहू नृत्य से लेकर केरल की कथकली तक, पूर्व में छऊ से लेकर पश्चिम में गरबा तक, नृत्य विधाओं में हमारी संस्कृति की इंद्रधनुषी छटा दिखाई देती है। यही विशेषता अन्य कला विधाओं के विषय में भी उतनी ही सार्थक है। सभी देशवासियों को इस तथ्यों पर गौरव होना चाहिए कि हमारे देश में कला की सबसे प्राचीन और सबसे श्रेष्ठ परिभाषाएं और परंपराएं विकसित हुई है। भरत मुनि और आचार्य अभिनव गुप्त जैसे विभूतियों ने प्राचीन काल में ही कला तथा साहित्य के स्वरूप और उद्देश्यों के विषय में जो विचार व्यक्त किए वो सदैव प्रासंगिक बने रहेंगे। आधुनिक युग में हमारे सांस्कृतिक मूल्य और अधिक उपयोगी हो गए हैं। आज के तनाव तथा संघर्ष से भरे युग में भारतीय कलाओं द्वारा मानसिक शांति और सौहार्द का प्रसार किया जा सकता है। भारतीय कलाएं भारत की सॉफ्ट पावर का भी सर्वोत्तम उदाहरण है। जिस तरह हवा और पानी जैसे प्राकृतिक उपहार मानवीय सीमाओं को नहीं मानते, उसी तरह संगीत नाटक जैसे कला विधाओं भी भाषा तथा भौगोलिक सीमाओं से ऊपर होती है। भारत रत्नों के से सम्मानित MS शुभलोक में पंडित रविशंकर, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, लता मंगेशकर, पंडित भीमसेन जोशी और भूपेन हजारिका के संगीत की शक्ति किसी भाषा या भूगोल से बाधित नहीं होती है। उन्होंने अपने अमर संगीत से भारत ही नहीं पूरे विश्व की संगीत प्रेमियों के लिए अमूल्य विरासत छोड़ी है। लगभग 450 वर्ष पहले अपने संगीत की अमृत धारा प्रवाहित करने वाले संगीत सम्राट तानसेन के संगीत के चमत्कार को सभी जानते हैं और उनसे जुड़े कहानियाँ भारत के जनमानस में आज भी प्रचलित है। ऐसी कला विभूतियाँ हमारी संस्कृति की महानता के सर्वोत्तम प्रतीक है। भारतीय परंपरा में कला को ईश्वर का वरदान माना जाता है। लास्य और तांडव नृत्य करने वाले भगवान शिव, वीणावादिनी देवी सरस्वती तथा मुरलीधर श्रीकृष्ण भारत के जनमानस पे कला के दैवी प्रतीक है। इसी तरह महान संत परंपराओं में भी भक्ति और संगीत का संगम होता रहा है।
हमारी परंपरा में कला एक साधना है, एक संजीवनी है, सत्य की खोज का माध्यम है। कला द्वारा उपासना, अर्चना और स्तुति की जाती है। लोक कल्याणकारी भावनाओं का प्रसार किया जाता है। जो सुंदर है उसकी प्रतिष्ठा की जाती है, प्रकृति का सम्मान किया जाता है, नई फसल का स्वागत किया जाता है। शास्त्रीय विधाओं के साथ साथ लोक तथा जनजातीय कलाओं के मूलभूत आदर्श एक जैसे ही रही है। सामूहिक उल्लास और एकता को भी हमारे नृत्य और संगीत द्वारा अभिव्यक्ति मिलती है। मैं देखती हूँ कि हमारी भाषाओं की विविधता और क्षेत्र की विशेषताओं को हमारी कलाएं एक सूत्र में जड़ती है। देवियों और स्वजन, कुछ दिन पहले महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर तमिलनाडु में पूजा अर्चना के माध्यम के रूप में संगीत और नृत्य की सुंदर प्रस्तुति मुझे देखने को मिली। देश विदेश के लोग बड़ी संख्या में आध्यात्म और कला के रोष में एक साथ डूबे हुए थे। भगवान शिव को संगीत और नृत्य का स्रोत क्यों कहा जाता है, इसका भी अनुभव मुझे हुआ। पिछले सोमवार को अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न जनजातियों के नृत्य कलाओं को देखते हुए मैं स्वयं उन बहनों के साथ शामिल हो गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।